Flesh. श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जहां की हम बात करने जा रहे हैं आपसे, और वो भी फोन के माध्यम से। जहां तक फोन की बात है तो फोन की इजाद तो बहुत पहले 18वीं शताब्दी में होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो पेटेंट था यूएस पेटेंट वो कराया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और ये कराया था 1876 में। हेलो है इसे लोकप्रिय बनाया थॉमस एडिसन ने। अगर हम फोन पे बात करते हैं तो जैसे हम नमस्कार कहते हैं उसी तरह लगभग पूरी दुनिया में हेलो कहा जाता है। और जहां तक रेडियो की बात है तो रेडियो में फोन इन के माध्यम से, आपकी आवाज के माध्यम से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे श्रोता हमें हमेशा प्रिय होते हैं। इसी वजह से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और जी हाँ, आप सभी का हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सिलसिला करते हैं आज का शुरू, और देखते हैं कि आज का पहला फोन कॉल है किसका। हेलो फरमाइश। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर जी, हम बोल रहे हैं आपके बहुत ही पुराने लिसनर, सगोरिया स्कूल, घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहे हैं सर जी। क्या बात है, बिल्कुल आपके नाम को सुन के ही हमारे तमाम श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, और हम भी खुश हो गए क्योंकि हमारे पुराने साथी हमसे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में मुलाकात कर रहे हैं। संपर्क हो रहा है, यूनुस भाई से बात हुई थी, उसके बाद आज आप बात करें सर। मतलब वनवास के बाद जो खुशी होती है वो खुशी आपको हो रही है? खुशी हो रही सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं घर संसार में वापस आ गया। ऐसा लग रहा है कि विविध भारती बिना तो बिल्कुल जिंदगी अधूरी हमारी। ऐसा लगता है आपको? विविध भारती किस तरह से आपके जीवन में आपका साथ देती है बताइए। सर मुझे पहले हेलो फरमाइश सुन के बहुत खुशी होती है आपके अनुरोध पे, और इनसे मिली है जो आप एक्टर वगैरह से बात करवाते थे, और सच्ची सहेली वगैरह, जैसे रेडियो इतना तरंगी की तार हमें चढ़ा देता है सर की, इतना खुशियां और मनोरंजन करता रहता है हमारा। तो इसी वजह से आप विविध भारती से जुड़े हुए हैं ना? जी जी जी। और हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि इसी तरह से जो प्रेम है अपना बनाए रखिए विविध भारती के साथ में। अब जो है फिल्म का नाम बताइए। सर आज मुझे गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा बड़े घर की बेटी, जिसका घर हो अयोध्या, जैसे जैसे विविध भारती हमारी जिंदगी में आ गई फिर से। मतलब आप इस कार्यक्रम के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं ना? जी जी, कई हजारों बार आपकी विविध भारती ने इतना सिखाया मेरे को, पूछो ही मत सर। ये बात तो है। जी एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी आवाज मुझे ऐसे लग रही कि अमीन सायनी जी से बात हो रही मेरी। अरे वाह, ये तो और आपने मुझे कहते हैं ना कि चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। सर बिल्कुल मिली जुली आवाज लग रही है। चलिए, मैंने कोशिश नहीं की लेकिन आपको लग रही है, ये आत्मीयता है आपकी, और आपने जो हमें कॉल किया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लक्ष्मण भाई कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई, आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई, भरत शत्रुघ्न से है देवर हो, भरत शत्रुघ्न से है देवर, सीता स्नेह लुटाती जिन पर, गुण अवगुण ये कुछ ना जाने, मात पिता को तीर
दशरथ माने, दशरथ जी के चार लाडले, दशरथ जी के चार लाडले, तुलसी की चौपाई कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी हो खुशियों की बरखा है भारी, फूली रहे सदा फुलवारी, इस घर के सागर में प्यार की गंगा आन समाई, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। राम के कोई बहन न थी, राम के कोई बहन न थी, उनको शायद यही कमी थी, इस घर में है छोटी बहना, हर भाई का सुख और चैना, इस घर में है छोटी बहना, हर भाई का सुख और चैना। बात बात में खेल करत है नंदी और भौजाई, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा, उनकी होत बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा, कौसल्या तोहरे अंगन वामा। कितना भजन करो, कितना जतन करो, आया समय कभी टलता नहीं, आया समय कभी टलता नहीं। स्वार्थ की धरती पर बोया जो पत्थर पर पौधा, कभी भी फलता नहीं, कभी भी फलता नहीं। रावण सा अभिमानी करता था मनमानी, रावण सा अभिमानी करता था मनमानी, दुनिया से खुद ही जाता रहा, सीता की शक्ति को लक्ष्मण की भक्ति को संसार गीतों में गाता रहा, संसार गीतों में गाता रहा। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। गोयल साहब, पहली बार कॉल लगी है सर। बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कॉल पहली बार लगी है। अच्छा, वैसे ये प्रोग्राम अभी अभी शुरू हुआ है? नहीं सर, मतलब इससे पहले भी ट्राई करते थे, जब पहले आया करता था ये प्रोग्राम, है ना? हाँ हाँ हाँ। तब से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए, हमेशा ये कहा भी जाता है, कोशिशें ही जो है वो कामयाब होते हैं। और आपकी इस कामयाबी पर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। और बताइए हरियाणा के बारे में। बधाई कि आप दोबारा शुरू किया, आना फरमाई, सभी श्रोताओं की ख्वाहिश थी कि दोबारा शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल, और विविध भारती ने इसी बात का ध्यान रखा कि श्रोताओं की जो पसंद है उसे पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रोता ही तो हमारे इस सुरीली धड़कन की धड़कन श्रोता ही है। और बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इस विशेष अवसर पर। सर, एक गाना था, मूवी का नाम कर्तव्य, जो जी ना रहे कोई, लता जी की आवाज में। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं? सर, मैं दिल्ली में काम करता हूँ सर, दिल्ली में जॉब है सर। अपनी जॉब करते हैं, किस तरह की जॉब है बताना चाहेंगे सर? अकाउंटेंट की सर, अकाउंट।
अकाउंट्स में है, मतलब आपके शुरू से रुचि जो है वो अकाउंट्स में थी और फिर आपने जॉब भी इसी तरह की। तो दिल्ली में और हरियाणा के बीच में आप यहाँ पर रहते हैं पूरे परिवार के साथ में, आप दिल्ली में रहते? सर हरियाणा में रहते हैं सर पूरे परिवार के साथ में, डेली मतलब दिल्ली से अप डाउन होता है। अप डाउन करते हैं तो दिक्कतें तकलीफें कुछ इस तरह की तो नहीं आती? सर कोई दिक्कत नहीं सर, ट्रेन से जाते आते हैं डेली। और काम में खुश हैं आप? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तो देश की प्रगति में आप अपना योगदान दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसी तरह खुश रहे गीतों के साथ, विविध भारती के साथ। दूरी दूरी
फरमाइश। हेलो नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपकी खुशी ये साबित कर रही है आपकी। सर जी खुशी नहीं होगी क्या, चार पांच सालों में प्रोग्राम चालू हुआ तो खुशी बहुत दुगनी बढ़ रही है सर जी। क्या बात है, हम भी आपकी खुशी को देखकर खुश हुए। बताइए खुशी खुशी में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। अच्छा लग रहा सर जी, क्या कहूँ, सब कुछ आनंद है और दीपावली का पर्व भी आ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है आज आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है बहुत सालों बाद। और मैं ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ सर जी। मांगीलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और बताइए। सर जी मैं कुछ कह रहा हूँ और कुछ हिट रहा मेरे मुंह में से, इतनी खुशी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी खुशी में शामिल हूँ। अच्छा ये बताइए गुना में करते क्या है आप। मैं किसान हूँ सर जी, खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं तो धान की फसल जो है वो है या फिर और कुछ सब्जियाँ वगैरह। हाँ धान भी है सर जी, सोयाबीन भी है, मक्का भी है, सभी फसल है। सभी फसल करते हैं आप, और आपकी फसल अच्छी होती है। अभी कटाई हो चुकी सर जी। कटाई हो गई है, मतलब अभी आप बिजी हैं कुल मिलाकर। बावजूद इसके आपने विविध भारती को ध्यान दिया, विविध भारती को याद किया और ये फोन कॉल लगाया, और आपका फोन कॉल लग गया। और हम तो बहुत पुरानी और नियमित सोता है आकाशवाणी बम्बई विविध भारती के। क्या बात है, क्या बात है सर जी, मैं सन 1980 से सुनता आ रहा हूँ, इतना पुराना हूँ मैं। सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है, एक ही का नाम बताना है अब आपसे। सबसे अच्छा तो यही लगता है क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे मन पसंद गाने सुनने को मिल जाते हैं। ये बात तो है। अच्छा ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आज। फिल्म का नाम रहेगा धूल का फूल। धूल का फूल, हाँ, और बोल। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का इशारे, बहुत हो चुके दूर
रहकर इशारे तुझे पास से, तुझे पास से देखना चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। मौत से खेलना चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। हेलो फरमाइश सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपका। हेलो फरमाइश में विविध भारती का ये कार्यक्रम है जो आपकी पसंद का कार्यक्रम है, और आपने आज फोन लगाया और मेरे से आप बात कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ जी श्याम, जिसके लिए सभी श्रोताओं को था बड़ा बेसब्री से इंतजार, जिसके लिए सभी श्रोताओं का दिल था बेकरार, और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ने पूरी की है अब हम सभी की ख्वाहिश, और बड़े लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है श्रोताओं हेलो फरमाइश। क्या बात है, आपने बहुत ही प्यारे ढंग से हेलो फरमाइश को डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। निश्चित रूप से आप पुराने श्रोता हैं हमारे। जी, ग्राम व पोस्ट रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से मैं नरेश प्रजापति। आपका नाम भी बिल्कुल बेहतरीन है और आपकी पकड़ भी अपने विषय पर बेहतरीन होगी। काम क्या करते हैं आप बता सकेंगे? जी सर, मैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर में रहता हूँ, और यहाँ मैं एम्प्लॉय हूँ, परमानेंट एम्प्लॉय। और डिपार्टमेंट बसेस बनाते हैं। जी अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग उसमें आप हैं? बिल्कुल जी, मैन्युफैक्चरिंग। जी जी, क्या बात है, तो कैसा अनुभव? शिफ्ट वाइज काम होता है, और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती जब हमारे साथ रहती है तो
कभी भी किसी भी तरह का जो तनाव होता है वो दूर हो जाता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस तरह से क्रेडिट दिया है। लेकिन इस बीच में सचमुच में जो संगीत होता है वो आपके तनाव को कम करता है, और विविध भारती हर तरह के गीत और हर एरा के गीत जो है आपके लिए प्रस्तुत करता है। सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको कौन सा लगता है वैसे विविध भारती में, किसी एक का नाम बता सकें तो जरूर बताइए। सबसे अच्छा कार्यक्रम हेलो फरमाइश, हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था और वो हमारी फरमाइश पूरी हुई है। चलिए, इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई है और आपका फोन कॉल भी लग गया है। अब ऐसा करते हैं, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? गीत से पहले एक अनुरोध कि जिस तरह से हम श्रोताओं के लिए हेलो फरमाइश कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्यों ना माता बहनों के लिए हेलो सहेली कार्यक्रम शुरू हो जाए। ये सुझाव हमने सुन लिया है और अब हम ये भी सुनना चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत कौन सा गीत सुनना कुमार और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी साहब के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मधुर संगीत में फिल्म आक्रमण इसका एक गीत है, ये मौसम आया है कितने सालों में, और हेलो फरमाइश भी ये मान के चलिएगी काफी लंबे अंतराल के बाद आया है। क्या बात है। वैसे एक बात बताइए, आप जो भी आपके घरेलू फंक्शंस होते हैं उसमें अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी मुझे लगता है आप ही के हाथों में होती है ना? जी, जब कभी मौका मिलेगा तो जरूर अनाउंसमेंट की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया है विविध भारती से, जिस अंदाज में आपने किया है बिल्कुल, आप जब भी कभी पब्लिक गैदरिंग में या अपने पारिवारिक फंक्शन में जब आप रहेंगे और आप बोलेंगे तो आपसे लोग बहुत प्रभावित होंगे। फिलहाल आपकी पसंद का गीत
मत हो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देश की सुरीली धड़कन अरे एक नॉस्टैल्जिक हो गया था एकदम पहले से ही। आज बहुत लगातार ट्राई किया, लगातार ट्राई किया, ट्राई करने के बाद आज मेरा फोन लग गया। आप बताइए कि आप पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। अरे मैं कमल शर्मा से बातचीत किया था, यूनुस खान जी से और जयंत पात्रिकर से, लेकिन राजेंद्र त्रिपाठी और अशोक सोनवाने से बातचीत मेरा नहीं हो पाया। विविध भारती के सब दीवाने और दीवानियों को यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना। क्या मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज, आसाम से बिलोंग करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्यारी बोली आप बोल रहे हैं, ये साबित करती है कि ये आसाम की बोली ही हो सकती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आसाम तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खुशगवार मौसम रहता है और एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ। आपका खास करके जो ये है चाय पत्ती का बगान है, एकदम मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सीनरी, ये बहुत दम कलरफुल है और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, कामाख्या देवी का मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी, क्या बात है। जी जी जी, आप सही पकड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आसाम में तो मेरा जन्म हुआ और ऐसे फिर भी भारत एक बहुत अच्छे देश है, इसमें तो हर
भाषा के हर रिलीजन के लोग कहते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। सच बात है, अनेकता में एकता की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने भारत की बात करते हैं, और हमारी जो सोच है वो हमें ये बताती है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देश के अलावा भी पूरी की पूरी जो दुनिया है वो हमारे कुटुंब परिवार का एक सदस्य है या हिस्सा है। अच्छा ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हरियाली से भरा हुआ? जी आज एक गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है मासूम, मेरा दिल पसंद मन पसंद है अनूप घोषाल जी की गाए हुए गाना। आज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, ओ परेशान रखा है ओ तुझसे ना।
फरमाइश सर, आज मेरा फोन नंबर लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं समझ गया था, और मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आपका फोन नंबर लग गया, क्योंकि आप काफी दिनों से ट्राई भी कर रहे थे, आपके मन में भी था कि हम किसी तरह से फोन इन कार्यक्रम से जुड़ें और अपनी पसंद का गीत भी सुनवाएं अपने साथियों को, खुद भी सुने, साथ ही साथ आपकी आवाज रेडियो से ब्रॉडकास्ट भी हो, है ना? सच कह रहे हैं कि नहीं? सर इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी की बयान नहीं कर सकता। बयान कर नहीं पा रहे, लेकिन आपकी खुशी जाहिर हो रही है आपकी आवाज में। सर मैं लुधियाना से, पंजाब से, हरमोहन पट्टी बात कर रहा हूँ। मैं एक शायरी सुना सकता हूँ? बिल्कुल सुनाइए हरमोहन जी, बिल्कुल सुनाइए। जिंदगी चुनौतियों से भरा है सिलसिला, क्या खोया है मैंने, क्या मुझे है मिला। जिंदगी चुनौतियों से भरा है सिलसिला, क्या खोया है मैंने, क्या मुझे है मिला। हैरान हूँ, परेशान हूँ, तेरा नाम है मेरे इलाज सा, किसी को क्या सुनाऊं मेरी दास्तां, अब तो जिंदगी से भी ना रहा मेरा वास्ता। दुखी करने वाली बात आपने यहाँ पर क्यों सुनाई? जिंदगी से आपका वास्ता तो एकदम जुड़ गया है, क्योंकि आप जुड़ गए हैं फोन इन प्रोग्राम से जिसका नाम है हेलो फरमाइश। अच्छा बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? सर परदेश फिल्म का ये दिल दीवाना। परदेश फिल्म का? अच्छा ये बताइए, विविध भारती कार्यक्रम जो आता है, इसमें आपको सबसे जो अच्छा लगने वाला कार्यक्रम है, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, वो कौन सा है? आज के मेहमान। वजह बताएंगे उसकी, क्यों पसंद था? इसमें नए नए कलाकारों को आप सुनाते हैं और हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया और कहाँ तक वो आज पहुँचे हैं। वाह ये बात तो है, क्या बात है, उनके अनुभवों से हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम आपकी पसंद का गीत परदेश फिल्म का इस देश में ही सुनवाते हैं। शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। नहीं है मैं क्या करूं,
दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दीवाना दीवाना है ये दिल। तस्वीर है मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है, कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ, कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ, ये दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। हेलो फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं ग्राम सेखपुर तहसील बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र लोधी बात कर रहा हूँ। हाँ धर्मेंद्र जी, बताइए क्या सुना है आपको। सर जी, विविध भारती ने हेलो फरमाइश चालू कर दिया है, बहुत खुशी हो रही है और सभी श्रोता इसका बहुत स्वागत कर रहे हैं, साथ ही विविध भारती भी स्वागत कर रही है श्रोताओं का स्वैग से। तो मैं चाह रहा हूँ कि गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है एक विलेन और गाने के बोल हैं बन जा रहा। हाँ ये गाना हम जरूर सुनवाएंगे आपको। आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझे, आपकी आवाज से आपकी बात से ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो आप कहना चाह रहे हैं। विविध भारती का साथ हो, जी साम जी से बात हो, तो यूँ लगता है कि खुशी का हर लम्हा मेरे पास हो। वाह, ये हमेशा रहेगा आपके पास। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल, एमए कंप्लीट कर ली है इकोनॉमिक्स में और नेट एग्जाम की तैयारी चल रही है, साथ ही कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं विविध भारती के, और ये ख्वाहिश मेरी थी पिछले 10-15 वर्षों से जब से सुन रहा हूँ कि कॉल लग जाए। पहली बार कॉल लगा है, इससे पहले जब प्रोग्राम आता था तो प्रयास तो करता रहता था लेकिन कॉल नहीं लग पाया, आज लग रहा है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, आपकी खुशी में हम भी सम्मिलित हैं और आप कोशिशें कर रहे हैं। कोशिशों में कई बार ऐसा होता है अड़चनें पैदा हो जाती हैं, कई बार जो है सफलता मिलती नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए हैं, हम असफल हो गए हैं, शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस तरह से बरसों बाद आपका कॉल लगा, ये कार्यक्रम शायद आप जैसे हमारे कई साथियों के लिए शुरू हुआ है, ये उत्साह देने के लिए, ये आपको बताने के लिए कि जब भी आप अपने दिल से किसी चीज को चाहेंगे और उसे करते रहेंगे, मतलब प्रैक्टिस में रहना जरूरी है, तो सफलताएं जरूर मिलेंगी। आपके उज्जवल भविष्य की और बेहतर जीवन की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर
गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, जारे को घर। मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बन जारे को घर। तो
श्रोताओं, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आप कृपया 2 महीने तक जो है कॉल ना करें। इसके पीछे वजह भी है। वजह ये है कि अगर आपके कॉल लग गए और हमारे दूसरे श्रोता साथियों के कॉल नहीं लगे तो वो आपसे भी खफा हो जाएंगे और विविध भारती से भी। और हम जानते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके हमारे साथी हम एक दूसरे से खफा हो जाएं। हाँ, फोन कॉल करें, इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा। बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप फोन कॉल कर सकते हैं 0224012168 और 0224002462। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं इजाजत लूँ इसके पहले बता दूँ कि ये जो सफर आपने तय किया है, मैं आपके साथ जी शाम था और रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के काम को संभाला है यहाँ पर भावना सिंदल और किरण बंग। संयोजन और प्रस्तुति सहायक आशीष गावंडे थे और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति विविध भारती मुंबई की थी। हेलो हेलो फरमाइश।